देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। अब हरियाणा समाचार विस्तार से। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के 100वें जन्मदिवस पर आज जींद में एक विशाल महारैली का आयोजन किया गया। रैली में देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शरद यादव व मुलायम सिंह यादव के भाई शीशपाल यादव इत्यादि दिग्गज नेताओं ने प्रमुख तौर पर शिरकत की। रैली में 1,00,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी। शिक्षक भर्ती घोटाले में सजायाफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी रैली में विशेष तौर पर पहुंचे। इस मौके पर पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने गरजते हुए कहा कि आने वाला समय इनेलो की सरकार हर हाल में बनेगी और वह तिहाड़ जेल में ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस पार्टी में कोई नाराज नहीं है, टिकट बंटवारा संतुलित है और पार्टी ने अपने विवेक से टिकट वितरण का फैसला किया है। ये शब्द मुख्यमंत्री ने आज फरीदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहे। मुख्यमंत्री आज बड़खल और तिगांव विधानसभा के उम्मीदवारों महेंद्र प्रताप और ललित नगर के नॉमिनेशन के उपलक्ष्य में आयोजित जनसभा में पहुंचे थे, जहां जिले के सभी कांग्रेसी उम्मीदवार मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने जनता से सभी उम्मीदवारों को जिताकर हरियाणा में तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने जिले के सभी कांग्रेस उम्मीदवारों का हाथ उठाकर जनता से भी उन्हें रूबरू करवाया। साल में हरियाणा को 14वें नंबर से 1 नंबर पे पहुंचाया और ये जो हरियाणा किस नाम से पहचान थी, यहाँ पे क्या माहौल था, उस माहौल को बदला है। चाहे वो खेल का मैदान है, चाहे विकास का है, चाहे शिक्षा का है और चाहे किसी भी उसमें, चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का है, हरियाणा बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और उसकी रफ्तार और तेज़ करनी है। अभी तो नींव रखी है, अभी और तेज़ी से आगे। अभी घोषणा पत्र जारी करेंगे, हमने जो 5 साल में जो हमने नींव रखी है उसको और मजबूत भवन बनाएंगे, ताकि हरियाणा का हिंदुस्तान में तो नंबर 1 पर पहुँच गया है, पूरे दुनिया में इसका नाम। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र के मुताबिक अब पार्टी अपना कैंपेन अभियान शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत नूह में पहली जनसभा से होगी। प्रोफेसर वीरेंद्र के मुताबिक पार्टी की कोशिश रहेगी कि सीनियर नेता ज्यादा से ज्यादा रैली कर सके। सिरसा से भाजपा उम्मीदवार सुनीता सेतिया ने अपना नामांकन पत्र आज सिरसा में दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्याण भी मौजूद रहे। सुनीता सेतिया ने नामांकन भरने से पूर्व अपने समर्थकों के साथ शहर में रोड शो निकालते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। सुनीता सेतिया ने दावा किया कि वह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और उनकी जीत पक्की है। हाँ जी, जनता में बहुत उत्साह है
हमारे कार्यकर्ता आज बड़े उत्साहित होकर उन्होंने नामांकन पत्र दर्ज पर्चा भरा है और बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बाजी जीत चुके हैं। निश्चित तौर पे कार्यकर्ता चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, वो निश्चित तौर पे ऐसा करेंगे। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद अब बाकी पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। आज चंडीगढ़ पहुंचे हज का सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई और विनोद शर्मा हज का सुप्रीमो ने 58 सीटों पर लिस्ट जारी कर दी। वहीं विनोद शर्मा 25 सीटों पर कल अपनी लिस्ट जारी करेंगे। इस दौरान हज का कार्यकर्ताओं ने कुलदीप बिश्नोई पर टिकट बेचने के भी संगीन आरोप लगाए हैं। एक ही बात है कि भाई हम दादरी विधानसभा क्षेत्र से क्लेमेंट थे और जब ये महसूस हुआ कुलदीप बिश्नोई ने ये गैर जाट का मुखौटा है, इसका मामला कुछ नहीं है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि जी ये बगैर पैसे लिए किसी से टिकट नहीं देता, तो कार्यकर्ताओं ने 50 लाख इकट्ठे रुपए किए और इसको हम गए दिल्ली कोठी में जाके दे के आए। लेकिन उसके बाद कहा कि भाई कार्यकर्ताओं के पैसे थे, खून पसीने के पैसे थे, सब ने किसी ने इकट्ठे किए। उसके बाद पता लगा पीए शिव कुमार कहता है 1 करोड़ रुपया और लगेगा जी जब बात बनेगी, फिर देवीलाल बिश्नोई कहता है और पैसे लगेंगे जी। तो इन्होंने भाई दुकान खोल रखी है, हमने ओम प्रकाश चौटाला को देखा, इससे तो वो ईमानदार आदमी था, हुड्डा भी ईमानदार है। हमारा ये है कि हम कुलदीप बिश्नोई से अपने काम किया था, जो काम की दिहाड़ी मांग रहे थे और हमारे से काम कुलदीप बिश्नोई ने काम की दिहाड़ी देने का बार बार आश्वासन भी देते रहा। तो कोई पैसे पूछे की भी नहीं, मेरे से कोई पैसा नहीं मांगा है और ना ही मैं देने का इच्छुक पैसे का और ना मैं पैसे लेकर टिकट देने का इच्छुक। वहीं डे एंड नाइट न्यूज से खास बातचीत की मनोज राठी से चंद्रमोहन बिश्नोई ने। हरियाणा जनहित कांग्रेस के प्रमुख चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट मिल चुका है। चंद्रमोहन, जिस तरह से आज टिकट वितरण की यहाँ पे बात कही, आपको नलवा से टिकट मिला है लेकिन पंचकुला में काफ़ी आता, आपके काफ़ी प्रशंसक हैं वहाँ पे, लोग भी चाहते थे कि आप पंचकुला से लड़े, आप क्या समझते हैं इस बारे में? भाई पंचकुला कालका का मैं ऋण जिंदगी भर नहीं उतार सकता, लेकिन नलवा भी मुझे उतना ही प्रिय है क्योंकि मेरा सारा बचपन वहाँ मैंने बिताया है, आदमपुर नलवा में। वहाँ के लोग भी चाहते थे कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूँ और ये पार्टी हाईकमांड का फैसला है, प्रभारी मैं 30 सीटों का हूँ, पार्टी मुझे कहीं भी इस्तेमाल करे, मुझे टिकट ना देती तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर टिकट वितरण की बात की जाए तो आप लोगों में आपसी मतभेद तो नहीं है जिस तरह दूसरी पार्टियों में देखने को मिल रहा है? 1% भी मतभेद नहीं जी, बिल्कुल। जिस तरह से अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में? हमने हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जिसको हमने संकल्प पत्र हमने जारी किया है, उसमें हमने सभी वर्गों को अकोमोडेट किया है, उनकी भावनाओं का हमने आदर किया है, समान विकास समान रोजगार हमारा मुख्य मुद्दा है। बिल्कुल, जिस तरह से चंद्रमोहन का साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो उनके जो उनका संकल्प पत्र जो घोषणा पत्र के तौर पर तैयार किया गया है उसको पूरा किया जाएगा और जनता की सुविधाओं को देखते हुए काम किए जाएंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, डीएन नाइट न्यूज। कल अम्बाला शहर से हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के प्रमुख विनोद शर्मा ने डे एंड नाइट न्यूज से खास बातचीत में बताया कि उनकी पार्टी का हजका के साथ गठबंधन है और दोनों पार्टियों की सहमति के साथ 65 हजका और 25 जनचेतना पार्टी चुनाव में उतरेगी। उनके अनुसार अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो जो उनकी पार्टी ने घोषणा पत्र में लोगों के साथ वायदे किए हैं वह सभी पूरे किए जाएंगे। जनचेतना पार्टी के प्रमुख विनोद शर्मा हमारे साथ हैं। विनोद जी, जिस तरह से 65 की बर्बाद हुई है, आप लोगों को समझौता हुआ है, कब तक आप अपनी सीटें को उम्मीदवार घोषित कर देंगे? कल सुबह 11 बजे कर देंगे जी। इस बार क्या रखा है आपने, क्राइटेरिया क्या रखा है अपने जो उम्मीदवार जो खड़े कर रहे हैं? हमारी शुरू से यही थी कि विनेबिलिटी होनी चाहिए, अच्छा उम्मीदवार होना चाहिए जी, लोगों के बीच में उसकी बात होनी चाहिए। तो जिस तरह से प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफ़ी कंपटीशन चल रहा है, कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही है अपने घोषणा पत्र में, जिस तरह से आने वाला उनका घोषणा पत्र, तो आपका क्या उस पर क्या कहेंगे? तो दावों को कौन रोक सकता है, जितने मर्जी दावे करें पर उनके दावे खोखले से धोंगे जी जी। आपका अगर सत्ता में आपकी पार्टी आती है तो क्या आपका मेन जो है हरियाणा में क्या रहेगा? देखो, गवर्नेंस के अलावा जो दूसरे मुद्दे हैं जिसमें दूसरी पार्टियाँ सहमत नहीं हुई हैं, बीजेपी से मैंने बात की, उनसे हमने प्रश्न किया था, एनएलओ से किया, कांग्रेस से किया, हमने उनसे कहा था कि इंटरव्यू सिस्टम ख़त्म क्यों नहीं करते, वो कहते हैं इंटरव्यू सिस्टम हम ख़त्म नहीं करेंगे, कैमरे लगा देंगे। मुझे समझ नहीं आ रही कि तीनों पार्टियां चाहती हैं कि उनकी सरकार आए, फिर से जो चल रहा है, जो भाई भतीजावाद चल रहा है, जो करप्शन चल रही है नौकरियों में, उसको रखा जाए, कायम रखा जाए, विच इज़ नॉट राइट। लोगों ये तो
जो नौजवानों के हक हैं उनको मारने वाली बात है। जी बिल्कुल। आप कहाँ से लड़ने में? अम्बाला सिटी से। तो बिल्कुल जी, कुलदीप यहाँ पे जो विनोद शर्मा और कुलदीप बिश्नोई के आपसी में गठबंधन हुआ है उसको देखते हुए विनोद शर्मा का साफ तौर पे कहना है कि कल की डेट में जो है वो अपने उम्मीदवार घोषित करेंगे, अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो कई बड़े वादे जो उन्होंने किए हैं वो जनता के साथ जल्द से जल्द जो पूरा करने की कोशिश करेंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मनोज राठी। पंचकूला में हुई एक व्यक्ति की निर्मम हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पंचकूला सेक्टर 26 निवासी हरकेश की हत्या कर उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर बोरी में बंद करके फेंका गया था। पुलिस 3 दिनों में अलग अलग अंग ढूंढने में कामयाब रही, लेकिन हरकेश का सिर मिलने के बाद उसकी शिनाख्त होते ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हरकेश की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हरकेश की प्रेमिका गुड्डू व उसके पति ने की थी। इस हत्या में हरकेश की प्रेमिका भी शामिल थी। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने हरकेश का धड़ भी बरामद कर लिया। वही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पंचकुला पुलिस ने हरिकेश मर्डर मामला सुलझा लिया है। हरिकेश की हत्या कर शव को पंचकुला सेक्टर 28 में आर्मी फ्लैट्स के पास कई टुकड़ों में फेंका गया था। शव की शिनाख्त होने पर पुलिस ने परिजनों से पूछताछ के बाद हत्या का मामला आखिरकार सुलझा लिया। मामले की जानकारी देते हुए चंडी मंदिर थाना के इंस्पेक्टर ने बताया कि हरिकेश की हत्या एक महिला व उसके पति ने की थी, जिनको हिरासत में ले लिया गया है। उनको 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। इंस्पेक्टर ने बताया कि दोनों से रिमांड के दौरान काफी कुछ जानना अभी बाकी है। पहले कुछ बॉडी के पार्ट मिले थे, बॉडी के पार्ट हमने रिकवर कर लिए थे, मामला दर्ज था और अभी 2 लोगों को राउंड अप किया, एक लेडी एक जेंट से, इन्वेस्टिगेशन जारी है अभी। वहीं पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश करने के महज 2 घंटे बाद हरकेश का धड़ भी बरामद कर लिया है, जो घटनास्थल से नहीं मिल पाया था। सूत्रों की माने तो हरकेश के एक महिला के साथ नजायज संबंध थे, जिसका पता चलने के बाद हरकेश की प्रेमिका गुड्डू के पति ने घर बुलाकर हरकेश की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव के कई टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंक दिए गए थे। इस हत्या में गुड्डू ने भी मदद की थी। पंचकुला से कैमरामैन विनय भारद्वाज के साथ प्रियंका नेगी, डे नाइट न्यूज। आज देश भर में सोशल साइट के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, जिसके चलते आए दिन फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। ऐसे ही एक मामले का भंडाफोड़ किया है चंडीगढ़ सेक्टर 43 बस स्टैंड पुलिस की टीम ने और सामाजिक संस्था ने। यह गिरोह फेसबुक के जरिए लोगों के साथ दोस्ती करके उन्हें विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपये ठग कर रफू चक्कर हो जाता था। पुलिस ने महाराष्ट्र के रहने वाले करण की शिकायत पर बिहार निवासी जगरूप और पुनीत को इस मामले में दबोचने में सफलता हासिल की है। हाँ, ये दो लोग वही लोग हैं जिसने मैंने पैसे दिए थे, और वो ड्राइवर भी सेम वही आया है जो कार में मेरे को पहले मिले थे, वही कार लेकर फिर अभी भी आई है। एनजीओ के लोग हमारे पास आए थे और साथ में एक कंप्लेनेंट था करण सिंह, जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, जिसने बताया था कि मेरे साथ मुझे बाहर भेजने के वीजा लगाने के लिए 2-3 लड़के मुझे फ़ोन करते हैं। मैंने उनसे 2 लाख रुपए मैंने दे बीच को हूँ पहले, और एक दो बार पहले भी बस स्टैंड 47 में 50,000 रुपये दिए थे, और आज मुझे 80,000 रुपये और मांग रहे हैं। और जो जिन्होंने मेरा ना कोई वीज़ा लगवाया है, और जो लोग जिन्होंने मेरे साथ ठगी की है, और जो एनजीओ और हम पुलिस वालों की मदद के लिए वो हमारे पास आए कि ये तो हमने और उन दोनों ने मिलकर मदद करके उन 3 लोगों को काबू किया है, जिनमें एक ड्राइवर है, 2 लोग, एक इसका नाम जरूप है, दूसरा पुनीत है, एक बिहार का रहने वाला है और कोई यूपी का, जिनको वेरीफाई कर लें। और इनसे लग रहा है कि ये ठगी के इनके पास कोई भी बाहर वीजा लगवाने के लिए कोई रिकॉग्नाइज ना ही ऑफिस है, ना ही इनके पास कोई अथॉरिटी है। रेवाड़ी की सीआईए पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सीआईए पुलिस ने स्कूलों से कंप्यूटर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से 49 LCD, 2 CPU, 2 प्रिंटर, 1 बाइक और 1 पिस्टल के साथ जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर इनके बाकी साथियों की तलाश में जुट गई है। कुछ चोरी की वारदातें जो हैं वो कंटिन्यूस बढ़ रही थी,
जिसमें बेसिकली जो स्कूल्स वगैरह में भी जो चोर थे वो टारगेट कर रहे थे कि कंप्यूटर्स वगैरह उठा ले रहे थे, उनके सीपीयू और जो एलईडी के उनके होते हैं स्क्रीन्स वो उठ रहे थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीआईए की स्पेशल टीम गठित की गई थी और जो इंचार्ज हमारे हैं राम स्वरूप उनके अंडर में ये टीम वर्क कर रही थी और कंटिन्यूस एक एफर्ट, अच्छा खासा एफर्ट लगाया इन्होंने और उसके बाद सक्सेसफुली इन्होंने ये जो गिरोह था इसको इन्होंने प्रेस किया, ट्रैक किया और ये सक्सेसफुली मतलब ये 24 सितंबर 8 बजे शाम को इन्होंने दो बंदे इन्वॉल्व थे इसमें उनको अरेस्ट किया है। गिरोह के दो बंदे, दो बंदे हैं इसमें बेसिकली, अभी तक जो बातें आई हैं दो बंदे ही इन्वॉल्व हैं, बाकी और हम तफ्तीश कर रहे हैं इसमें, और भी लोग अगर इन्वॉल्व होंगे तो उन तक पहुँचने की हम कोशिश करेंगे, फिलहाल ये दो बंदे ही इन्वॉल्व थे। जहां कई लोग बेटी को अभिशाप मानते हैं वहीं दूसरी ओर बेटियां हर क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों को छू रही हैं। ऐसे ही यमुनानगर की एक बेटी ने इसरो में देश ही नहीं बल्कि विश्व में अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया है। हरिपुर कोटा के वैज्ञानिकों ने पहली बार में मंगलयान मंगल पर भेजने में कामयाबी हासिल की है। इस वैज्ञानिकों की टीम का हिस्सा यमुनानगर की कालांदी कॉलोनी की रहने वाली अनुभूति बंसल भी है। मंगलयान की सफलता का पता चलते ही अनुभूति बंसल के परिजनों के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। मंगलयान की सफलता के चलते अनुभूति के परिजन खुशी से फूले नहीं समा रहे, वे उसके परिजन अपनी बेटी की सफलता का श्रेय उसकी लगन व मेहनत को बता रहे हैं। महसूस हो रहा है कि मेरी नैना जहाँ पे इसरो डिपार्टमेंट में मंगलयान मिशन में शामिल रही हैं, देखिए ये यही साबित करता है कि आज की डेट में लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं हैं। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक यूनिक एग्जांपल है जहाँ पे कि मेरी नैना ने शो करा है कि लड़कियां किसी भी काम में पीछे नहीं हैं। वो पिछले 4 साल से वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, दिसंबर 2010 में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी इसरो डिपार्टमेंट में। रोहतक पीजीआई में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। डॉक्टर कल सुबह से काम पर लौट आएंगे। पुलिस मृतका लड़की के पिता और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी को डीसी आवास पर पुलिस के हवाले किया गया। पीजीआई के डॉक्टर्स मारपीट की घटना के विरोध में 6 दिन से हड़ताल पर थे। प्रशासन के साथ कई दौर की वार्ता के बाद डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया। उधर आरोपी पक्ष ने भी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। निखिल और डॉक्टर जसवीर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमने जब लड़की 12-13 बार बुलाने के लिए गई, जब भी कोई भी बात मतलब आया नहीं था डॉक्टर। हम मिसिज भी और मैं भी 10-12 बार बुलाने गए, 12 बजे टीके लागे थे, 12 बजे के बाद 10 बजे लड़की एक्सपायर हुई है, कोई भी संभाल नहीं की डॉक्टर ने, और फिर भी इंतजाम हमारे पे लगा दिया गया। तो आपने पुलिस में मुकदमा नहीं दर्ज? मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस वाले ने हमारी कोई सुनाई नहीं की। अगर कोई प्रशासन ने हमारे साथ कोई धोखाधड़ी करने की कोशिश की, कुछ डॉक्टर चोर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, हम रोड जाम करेंगे, रेलवे ट्रक जाम करेंगे, प्रशासन जो हमारे साथ कुछ कर नहीं। पुलिस और प्रशासन के विश्वास के ऊपर परसों मैंने अपना भतीजा पुलिस को दिया। डॉक्टर चाहते थे कि एक आदमी गिरफ्तार हो जाए पुलिस के माध्यम से, हम सटराई को वापस ले लेंगे। पुलिस वालों ने अपनी चटकी दिखाते हुए हमारे से मेरा भतीजा ले लिया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। पेपर तैयार करने के बाद हमें कोर्ट में भेज दिया गया। बाद में आई वो क्या था, वो वेरिफिकेशन कराई डॉक्टर को बुला के, डॉक्टर ने मना कर दिया कि सुनील ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं मारी। जब डॉक्टर डिनाई करता है इसने कुछ नहीं किया, तो पुलिस वालों ने उसको कोर्ट में पेश करके जेल की नोटिस रुकवाई। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जारी होने से पहले ही कुछ पार्टी नेताओं ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इनमें से एक हैं इलाहाबाद के पूर्व कांग्रेसी विधायक भरत सिंह बेनीवाल। बेनीवाल ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर पर उनकी टिकट कटवाने का आरोप लगाया। सिरसा में मीडिया से रूबरू होते हुए भरत सिंह बेनीवाल तंवर को इलाहाबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती तक दे डाली। बकौल बेनीवाल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके पक्ष में थे, लेकिन अशोक तंवर ने उनकी टिकट का विरोध किया। टिकट मेरे को अंदेशा ये है कि जनता कह रही है कि दूसरे व्यक्ति का नाम आ रहा है। जब भरत सिंह का नाम नहीं आ रहा तो दूसरे व्यक्ति का कोई मीडिया की तरफ से टेलीविजन में और सूचना आ रही है। और मैं खुद में
अगर मेरी टिकट काट रहे या तो आप लड़े या आपकी लुगाई को लड़ाए, फिर पता पड़ जाए ये तंवर की या तंवर की लुगाई की जमानत बचती है कि जमानत भी नहीं बचेगी, उसमें दम मौत हो। पूर्व विधायक अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्री के नज़दीकी होने के बावजूद भी उन्हें टिकट नहीं मिला। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसके बावजूद अर्जुन सिंह ने मुख्यमंत्री का साथ देने की बात कही। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि जिस उम्मीदवार को कांग्रेस उतार रही है वह कभी भी जीत नहीं सकता। अभी अब कोई भी फैसला नहीं कोई लिया, हम अपने बैठ कर मीटिंग करेंगे अपने साथी जो अपने हमारे उसे साथी हैं जो हमारे सलाह दे सकें उन्हें करके उसके बाद ही हम तो दो दिन इंतजार करेंगे। अभी पार्टी हमारे लिए क्या सोचा है उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे। अभी हमारा कोई निर्णय नहीं है। पार्टी की मीटिंग की भावना आप लोगों ने देख ली, अपने साथियों की साथियों में क्रोस है, बड़ी मायूसता है। अभी जिस आदमी ने इतना काम पार्टी के लिए कराया और रात दिन पार्टी के लिए सारा टाइम उसने दिया हो, पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी हो, कहीं मीडिया ने बुलाए वहाँ पर पार्टी का मतलब उसमें बढ़ चढ़ कर अन्य कोई कांग्रेसी वहाँ कभी मीडिया का सामने नहीं आया। नॉमिनेशन तो मैंने भरना, उसके बाद इलेक्शन की तैयारी है हमारी। भाई इलेक्शन तो लड़ेंगे हम जी, अपने हमारे साथी कह रहे हम अपने साथियों तो बाहर कहाँ जा सकें, एक दो दिन इंतजार करेगा फिर क्या करें हम, उसके बाद इलेक्शन तो हमें लड़ना। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।